अमेठी जनपद का गठन वर्ष 2010 में हुआ था। इस जनपद को अस्तित्व में आए 13 वर्ष हो चुके हैं। इस नए जिले का मुख्यालय अमेठी कस्बे से 13 किलोमीटर दूर गौरीगंज को बनाया गया। आपको बता दें कि जनपद मुख्यालय बने 13 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज में एक भी बस अड्डा नहीं है। जिले के कोने कोने से लोग यहां अपने काम के लिए आते हैं और कड़ी मशक्कत से किसी तरह से जनपद मुख्यालय तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि जनपद मुख्यालय से जनपद के प्रत्येक कोनों में कनेक्टिविटी का अभाव है। इतना ही नहीं, सर्दियों के मौसम में आलम यह हो जाता है कि लोग सुदूर ग्रामीण अंचल से जनपद मुख्यालय के लिए निकलते हैं और पहुंचते पहुंचते यहां सरकारी दफ्तर तक बंद हो जाते हैं, जिसके चलते उन्हें मायूस होकर वापस लौटना पड़ता है। बस अड्डे के नाम पे सिर्फ रायबरेली सुल्तानपुर राजमार्ग ही है, जहां पर सिर्फ रायबरेली और सुल्तानपुर से आने वाली रोडवेज बसें आकर खड़ी होती हैं। स्थानीय लोगों ने ये बताया है कि राजीव गांधी के समय में यहां पर एक कमरा बना हुआ था जहां पर लोगों को टिकट मिलता था और वहीं से इंक्वायरी भी होती थी। लेकिन अब ये बात आपको बता दें कि धीरे धीरे यह विस्तृत होने के बजाय धीरे धीरे गायब ही हो गया वो मकान जो राजीव गांधी के समय में बना था। ऐसे में स्थानीय लोगों ने अमेठी सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित उत्तर प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि जनपद मुख्यालय गौरीगंज में बस अड्डे का निर्माण कराया जाए और जिले के प्रत्येक तहसीलों के लिए जनपद मुख्यालय से रोडवेज बसों को संचालित किया जाए, ताकि जो जनपद वासी हैं उनको यातायात में सुविधा हो सके। जब ये आज के जिला मुख्यालय बनाया गया था, यह नया बस अड्डा के रूप में इसको विकसित करने का हो सकता है बीड़ा उठाया गया हो उस समय, लेकिन तब से ये बाटी जो रहा है कि हमको हो सकता है कोई दर्जा मिल जाए। एक छोटा सा केबिन था यहाँ, उसी केबिन में बैठ करके राजीव गांधी के समय में टिकट कलेक्टर होता था, टिकट काटता रहता था, लेकिन वहीं से वो केबिन भी उखड़ गया और ये बस अड्डा खाली नाम मात्र का रह गया। चूँकि बसें रुकती हैं तो बस अड्डा कहा जाता है, बाकी ये समस्या लोगों के लिए सुरसा की तरह मुंबई खड़ी हुई है।